शरद पुनमनी रात माँ चांदलियों क्यों। देखो बैठे बैठे ख्यालों में पुलाव नहीं पकते, उसके लिए पहले उठना पड़ता है, जागना पड़ता है खुद से और समय पे ये कदम उठाना पड़ता है। तो और हेजिटेशन की तो कोई बात ही नहीं है, लड़कियां चांद पे पहुंच गई है तो हम उठ के अपने लिए खुद के लिए तो कुछ कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम ट्राई करने वाले हैं जामनगर की मोस्ट वायरल एंड हेल्दीएस्ट फ्रेंकी। जी हाँ, फ्रेंकी वो भी हेल्दी, आपने सही सुना। हम दिखाएंगे आपको फ्रेंकी की पूरी मेकिंग, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, ये वीडियो बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? दुलारी आचार्य। और आप ये कितने टाइम से इधर फ्रेंकी का बिजनेस कर रहे हो? 2 साल हो गए, लॉकडाउन में शुरू किया था मैंने। अच्छा, तो एकदम से ये फ्रेंकी का बिजनेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? लॉकडाउन में बैठे बैठे, क्योंकि सिंगिंग फंक्शन तभी शुरू थे नहीं और एंटरटेनमेंट लोगों के लास्ट में आने वाला था, बैठे बैठे कुछ फूड बिजनेस का दिमाग में आ रहा था, तो फिर सोचा कि जामनगर में जो नहीं है अवेलेबल उसी का कुछ सोचते हैं, इसी वजह से फ्रेंकी का चल रहा है। तो सिंगिंग बिजनेस मतलब आप सिंगर हो? यस, एंड बेसिकली बाय प्रोफेशन सिंगर 2000 से। अच्छा। हाँ, 22 सालों से। अरे वाह, आप कौन सी फ्रेंकी लगा रहे हो अभी? अभी मैं आपके लिए लगा रही हूँ तंदूरी मायो और मसाला पनीर। ओके, आपके पास कितनी कितनी फ्रेंकी अवेलेबल है मैम? मेरे पास 22 तरह की फ्रेंकी अवेलेबल है। और प्राइस रेंज क्या रहेगा? 60 से शुरू होके 180 तक। ओके, और मुझे ये लग रहा है कि ये मैदा नहीं है फ्रेंकी का? नहीं, ये बिल्कुल टोटली व्हीट बेस्ड है। अच्छा, और फ्रेंकी की रोटी भी बहुत बड़ी लग रही है। yes. तो हम बोल सकते हैं कि स्टफिंग कैरी कर सके इसीलिए। अच्छा, तो ये जामनगर की मोस्ट हेल्दीएस्ट फ्रेंकी मैं बोल सकता हूँ इसको? डेफिनेटली, क्योंकि जब शुरू किया तो कोरोना काल में लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो मैंने मैदा यूज नहीं करने का भी सोचा था। अच्छा, तो दैट्स व्हाई ओनली यूजिंग व्हीट। ये हमने क्या क्या डाला अभी? ये अभी टोमेटो केचप और सेजवान। ओके, ये टोमेटो केचप भी कुछ अलग लग रहा है, ये अपने ये घर पे? पिंक पल्प नहीं है जो अब फैशन में चल रहा है, वो नहीं है, ओरिजिनल टोमेटो है। अरे वाह। और कलर प्रिजर्वेटिव के बगैर ये सब रोज ही फ्रेश ही बनता है, इसीलिए मैं कम टाइमिंग रखती हूँ क्योंकि फ्रेश सब दे सकूँ, जितना ज़्यादा टाइमिंग लगाऊंगी उतना बासी भेजने की लालच हो जाएगी। हाँ सही है। आइसक्रीम स्कूप में हमारा आलू का मसाला आ गया। हाँ, फ्राइड टिक्की से बेटर है ये। हाँ, और मैडम टाइम क्या रहेगा हमारा इधर? 6 to 8। कस्टमर की थोड़ी मीठी कंप्लेंट भी रहती है कि टाइमिंग कम है हमारा, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से मैं लिमिटेड टाइमिंग रख पाती हूँ। ये हमारा मैरिनेटेड पनीर है। तो अभी सिंगिंग आपका प्रोफेशन अभी चालू ही है कि अब उसको अभी स्टॉप कर दिया? नहीं नहीं, स्टॉप तो नहीं किया, वो एक्चुअली ऑक्सीजन है, आर्टिस्ट का ऑक्सीजन होता है, वो भी शुरू ही है। जब भी फंक्शन होता है, हेक्टिक रहता है तो बंद रख देती हूँ मोस्टली, अभी इसको भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ओके, तो आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, पहले आप फ्रेंकी टेस्ट कर लीजिए। ओके, एड्रेस क्या रहेगा इधर का? पटेल कॉलोनी 2-3 अपोजिट टाइटन शोरूम। ओके, मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये सेंट एंस हाई स्कूल है, उसके सामने ये टाइटन का शोरूम है और इसको DKV सर्कल बोलते हैं जामनगर में। ये हमने क्या डाला अभी? ये तंदूरी मेयो है और ये मसाला पनीर जी। ओके, ये तंदूरी मेयो भी आप खुद बनाते हो? जी, मेयोनीज रेडी है, लेकिन मेयोनीज में जो फ्लेवर्स रहते हैं वो सब ओरिजिनल रहते हैं, कोई ड्राई पाउडर यूज नहीं। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स? नो प्रिजर्वेटिव्स। अरे वाह,
जो ज्यादा हेल्थ बिगाड़ते हैं। हमारी दोनों फ्रेंकी अभी बनके तैयार हो चुकी है। बाकी फ्रेंकी की जगह पे इस फ्रेंकी का साइज भी काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट डिनर हो जाएगा। तो आपने ये वीट बेस्ड फ्रेंकी बेचना का आइडिया कहाँ से आया? तभी कोरोना ही चल रहा था तो मैदा लोग वैसे भी अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू डाइजेशन और वीकनेस की वजह से, तो वीट बेस्ड ही मैंने सोचा कि बनाते हैं हम, और उसमें भी नथिंग कैरी हो सके, इसलिए रोटी का साइज वैसे ही सोचते सोचते ही बड़ा हो गया और कस्टमर को उसका बेनिफिट मिल गया पूरा। लेकिन आपके वहाँ काफ़ी भीड़ भी रहती है, मैंने देखा है, मैं कई बार इधर आता हूँ तो मुझे फ्रेंकी मिलती भी नहीं है। जी, लेकिन क्या है कि इसको बनने में 200 से भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वीट को पकने में टाइम लगता है, टाइमिंग और क्वांटिटी लिमिटेड रहता है हमारा ड्यू टू प्रेस सर्व, तो इसी वजह से भीड़ की भी कंप्लेंट रहती है। तो कस्टमर को मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप हो सके तो आपको बार बार ऐसे ही वापस ना जाना पड़े, इसलिए 7 बजे के पहले ही आ जाइए। बिल्कुल दीदी, बहुत सारी हाउसवाइफ है जो खुद का बिजनेस करना चाहती है लेकिन उनको बहुत हेजिटेट रहता है, तो आप कुछ उनको मैसेज देना चाहोगी? देखो, बैठे बैठे ख्यालों में पुलाव नहीं पकते, उसके लिए पहले उठना पड़ता है, जागना पड़ता है खुद से और समय पे ये कदम उठाना पड़ता है, तो और हेजिटेशन की तो कोई बात ही नहीं है। लड़कियाँ चांद पे पहुँच गई है तो हम उठ के अपने लिए खुद के लिए तो कुछ कर सकते हैं। जामनगर में बहुत, लेकिन आपके फैमिली में से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला होगा ये स्टोरी? डेफिनेटली, मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे, और वो आके मतलब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो वो पीछे से घर का सब मैनेज करते हैं और वापस 7:30 बजे के बाद आके भी मुझे हेल्प करते हैं। अरे वाह, तो थोड़ा इजी रहता है उनकी वजह से। मतलब इसी को बोलते हैं एक हेल्दी लाइफ जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप कुछ सुनाना चाहोगी हमारे दर्शकों को? जी, अभी नवरात्रि गई ही है रिसेंटली और शरद पूर्णिमा आ रही है हमारी, तो वही गाना सुन लेते हैं। शरद पूर्णिमा रात माँ चांदनियों के मार तनड़ नचे, के मार मनड़ नचे, ये मार तनड़ नचे, ये मार मनड़ नचे, मीना किरणों रे लाई छे, आवे माँ शरद पूनमनी रात माँ। अरे वाह, इस शायद इसी को बोलते हैं 22 साल का एक्सपीरियंस। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है दीदी। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए सच में दिल से थैंक यू, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, तो आपको फिर से एक बार लोकेशन बता देता हूँ, ये सेंट एंस हाई स्कूल है, उसके बाजू में टाइटन का शोरूम है, यहाँ पर हमारे दीदी खड़े रहते हैं फ्रेंकी का स्टॉल लेके, फूडेक्स डिलीशियस फ्रेंकी, डीकेवी सर्कल बोलते हैं। तो दोस्तों, इस जगह की फ्रेंकी का टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जामनगर में आओ तो यहाँ की फ्रेंकी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।